आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर 7 डिफरेंट बॉक्सेस पैक्ड विद डिफरेंट नंबर रिटन ऑन द टॉप ऑफ देम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बॉक्स डी इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स पैक्ड विद द नंबर 5। सी, क्वेश्चन आपका बॉक्स अरेंजमेंट से रिलेटेड है और आपकी पहली इन्फॉर्मेशन जो कहता है वो कहता है बॉक्स डी इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स नंबर 5। जो बॉक्स नंबर 5 से पैक किया गया उसके इमीडिएट अबव में कौन सा बॉक्स है? बॉक्स डी गिवन है। आगे कंडीशन कह रहा है, मोर देन 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स प्लेस्ड विद नंबर 4 एंड बॉक्स प्लेस्ड विद नंबर 2। तो सी, अगर हमने यहाँ पे नंबर 2 वाले बॉक्स को इस प्लेस पे रख दिया, ओके, कहता है कि बॉक्स 2 और बॉक्स 4 के बीच में तीन से ज्यादा बॉक्स प्लेस है, तो 1, 2, 3, ये तो 3 हो गए। अब या तो 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, तो लेट्स से कि हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि 5 बॉक्सेस हैं इनके बीच में, तो 4 नंबर का बॉक्स आपका स्पेस पे आ जाएगा, राइट? नाउ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कंडीशन में आगे क्या कह रहा है। तो हम कुछ 2 और 4 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो वी कैन सी दैट कि 2 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नीचे से थर्ड लाइन पे गिवन है। द बॉक्स पैक्ड विद द नंबर 2 इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स जी। बॉक्स 2 जो है उससे उसके नीचे, या फिर ये कह लो कि जी वाले बॉक्स के इमीडिएट अबव में कौन सा बॉक्स है? जो बॉक्स नंबर 2 से पैक किया गया है वो बॉक्स रखा गया है जी के अबव में, एंड दैट इज वाई हमने 2 को ऊपर रखा है, 4 को नीचे रखा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 को रखते तो जी आपका इस प्लेस पे आ जाता ना। अब अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे 8 बॉक्सेस हो जाते, जबकि इन्फॉर्मेशन केवल 7 बॉक्सेस की गिवन है। ओके, ना सी, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन में आगे कहता है, कंडीशन आगे बोल रही है, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स ई। बॉक्स बी और बॉक्स ई के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। There is only one box between box E and box G. तो box G से related information पहले हम note down करते हैं। Box G और E के बीच में 1 box है। अब इसके बाद जो पहले condition दी हुई थी कौन सी, कि box के बीच में, box E और box B के बीच में 2 boxes रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम place कर दें अगर इसे, तो E और B के बीच में 2 box, तो 1 और 2, यहाँ पे मिल जाएगा आपको box B. Okay. फिर आगे कंडीशन में आपसे कहता है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स जी एंड बॉक्स ए विच इज पैक्ड विद द नंबर 1। ओके, तो इट सेज कि बॉक्स जी और बॉक्स ए के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो 1, 2, 3, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉक्स ए, और कह रहा है आगे कि बॉक्स ए नंबर 1 से पैक किया गया है। आगे कंडीशन में आपको बोल रहा है, देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स सी। बॉक्स ए और बॉक्स सी के बीच में केवल 2 बॉक्स है, तो 1 और 2, यहाँ पे हमने सी को प्लेस कर दिया। और अगर हम यहाँ आगे बात करें तो इट सेज कि जस्ट लेट मी, या विच इज पैक्ड विद नंबर 6, बॉक्स सी विच इज पैक्ड विद नंबर 6, तो बॉक्स सी के सामने हमें लिखना है नंबर 6। ऑलराइट, नाउ कंडीशन में आगे भी दिया हुआ है, कहता है कि मोर देन 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स पैक्ड विद द नंबर 5 एंड बॉक्स पैक्ड विद द नंबर 4। सी, क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉक्स, वो बॉक्स जिसको नंबर 4 से पैक किया गया है उसके, और नंबर 5 से जो बैक बॉक्स पैक किया गया है, उन दोनों के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं। तो अगर हमने 5 को यहाँ पे रखा, इस प्लेस पे रखने की कोशिश की, तो 1 और 2 केवल 2 आ रहे हैं, हमें 3 से ज्यादा चाहिए, तो दैट मीन्स कि हम 5 को कहाँ पे रख दें? इस प्लेस पे रख दें। और जैसे ही आप 5 को इस प्लेस पे प्लेस करोगे, आपको पता है कि इसके ऊपर 5 के तुरंत इमीडिएट अबव में कौन सा बॉक्स है? बॉक्स डी है, तो हमने बॉक्स डी को यहाँ पे प्लेस किया, और जैसे आपने बॉक्स डी प्लेस किया, एक ही बॉक्स बचता है विच इज एफ, हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और एक ही नंबर बच रहा है आपके पास, 9, एक्चुअली 2 नंबर से यहाँ पे बच रहे हैं, 2 प्लेसेस बच रहे हैं। तो लेट्स सी आगे कंडीशन में देखते हैं। कंडीशन में कह रहा है बॉक्स ई इज पैक्ड विद द नंबर 3। ओके, सी, बॉक्स ई को नंबर 3 से पैक किया गया है, तो बॉक्स एफ के लिए केवल 1 नंबर बचता है विच इज 7। तो हमने यहाँ पे पूरी ही अरेंजमेंट कंप्लीट कर दी है ना। सी, आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो आंसर करना है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है,
तो लेट सी दैट कि क्वेश्चन में क्या पूछता है, बट बिफोर दैट लेट मी मेक इट कम्प्लीट। इसे दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, एक साइड में बॉक्स, दूसरे साइड में नंबर्स। क्वेश्चन में आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज पैक्ड विद द इवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमें अपने ऑप्शंस चेक करने की जरूरत है। तो ए, पहला ऑप्शन दिया है ए, ए के अगेंस्ट में जो नंबर है दैट इज 1। ओके, जी के अगेंस्ट में जो नंबर है दैट इज 5, और डी के अगेंस्ट में जो नंबर है दैट इज लेट मी सी इट हियर, या दैट इज 2, और ई के अगेंस्ट में जो नंबर है दैट इज 3। तो वी कैन सी दैट कि हमारे पास जितने भी नंबर्स गिवन हैं उनमें जो करेक्ट जो इवन नंबर के अगेंस्ट, जो इवन नंबर के अगेंस्ट लिखा है दैट इज डी। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन 3। आई होप सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।